योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच एक ऐसा सवाल है जो कि हर कोई जानना चाहता है। सवाल ये कि क्या एनडीए में शामिल सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी? घोसी से मिली हार के बाद भी क्या राजभर को मंत्री पद के सम्मान से नवाजा जाएगा? क्या राजभर को एनडीए में आने का फल मिलेगा? खैर, इन सवालों पर अभी यूपी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजभर को नाराज नहीं करना चाहती और वो नहीं चाहती कि ऐसा कोई गलत फैसला ले जिससे राजभर खफा होकर दोबारा अपना पासा पलट ले। और यही वजह है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजभर को भरोसे में लेने की कोशिश की। उन्होंने राजभर को मंत्री पद का मरहम लगा दिया। ब्रजेश पाठक ने राजभर की तारीफ में इतने कसीदे पड़े कि राजभर सुन ले तो उनके मन में खुशी का लड्डू फूट पड़ेगा। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को ब्रजेश पाठक ने अच्छा मित्र बताया। उन्होंने कहा, राजभर हमारे मित्र हैं, अच्छे नेता हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में पकड़ मजबूत है और प्रदेश की जनता उन्हें चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी गठबंधन पर पाठक ने कहा, छोटे दलों के साथ गठबंधन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हम पहले से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार तैयारी रहती है। हम परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं और सजग रहते हैं। ब्रजेश पाठक का ये बयान योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच आया। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा एनडीए गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। घोसी उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद थी। माना जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन घोसी में मिली करारी हार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी की बदली हुई रणनीति का कारण मिशन 2024 का चुनाव है। बदलाव की शुरुआत जिला अध्यक्षों से हुई थी, अब निगम और आयोग प्रमुखों की नियुक्ति पर बीजेपी की नजर है। ऐसे वक्त में डिप्टी सीएम का राजभर की वाहवाही करना कहीं ना कहीं संकेत है कि उन्हें साथ ही बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों को आगामी चुनाव से पहले बिखेरने के बजाय जोड़कर रखने के मूड में है, ताकि एक और इतिहास रचा जा सके।